तो फिर बेसिकली मेरा पॉइंट आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा था वो ये था कि द क्वेश्चन ऑफ गॉड इज अ फिलोसफिकल क्वेश्चन और वन तो जब आप जो आपके नॉर्मल राइन ऑफ रीजनिंग है कि वट इज द प्रूफ ऑफ इट क्या इसमें साइंटिफिक मेथड वाली रीजनिंग जो है बेसिकली जो काफी यूजफुल है मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ वो गॉड में नहीं काम करती तो इसका आपने रिस्पॉन्स दिया था कि गॉड अगर किसी को फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट से ही देखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं गॉड को एज अ फिलोसिफी देख रहा हूँ और मैं क्लेम mm. नहीं कर रहा हूँ कि ये है ही है और किसी नहीं कर mm. रहा परव नो प्रॉब्लम विद बट एक ये बोल देना कि फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ही काफी सारे मैं कहूंगा भाग आ जाते हैं पार्ट्स आ जाते हैं लाइक फॉर एथिक्स एथिक्स मतलब मैं कह रहा है है ये भी एक फिलोसफिकल ही है. पर ये इतना ज्यादा मतलब कोई नहीं मान रहा इसको मतलब मैं थोड़ा किसी लेवल पे अपोज करूंगा किसी लेवल पे आप समझ पा रहे हो वर्सेस एक ऐसा फिलोसफिकल फिलोसफिक लाइक कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस को के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके लिए मैं उतना वो नहीं होगा वो नहीं भी मान रहा तो मेरा क्या जा रहा है आई वुड से गॉड एज अ कॉन्सेप्ट

नहीं मेरा पहले बार तो तुमने जब ये पॉइंट रेज किया था मेरा रिस्पॉन्स जो था उसके बारे में यही है कि तुम कह सकते हो कि गॉड इज नॉट अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट गॉड इज़ अ फिलोसॉफिकल प्योरली फिलोसॉफिकल कंजेक्चर बट देर आर मेनी पीपल आउट दैट विल नॉट अग्री विथ यू एंड माई प्रॉब्लम इज प्राइमरीली विथ दैम पीपल हु वॉन्ट टू यूज सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट एज द क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड द फिजिकल यूनिवर्स राइट

और ये वर्स है इज नॉट सफिश क्योंकि इन माई एक्सपीरियंस लाइक सपोज कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है उसके लिए बेटर क्या है सिगरेट छोड़ना या नहीं छोड़ना भिल्कुण. सिगरेट छोड़ना उसके लिए बेटर है पर अगर मैं उसका सिगरेट लेके फेंक दूंगा तो वो सफर करेगा सो एट द एंड ऑफ द डे विल हेट मी फॉर डूइंग थिंग दैट इज गुड फॉर हिम ही विल फील बैड ही

if you say that we do not have a full fully good handle on good and bad ethics etc i have no problem with it my problem is that you're using a word like god for it which is already being used for something else by other people why True. the deliberate confusion why use True. that word say that we don't know i think leap of faith is bit. i think i think I'm why saying, leap of faith what are you believing in you're saying of faith that you that don't know that is bad i think what Leap of faith in that killing an ant is bad, like a simple ethical argument. No, you're not believing that killing an, killing someone is bad. You're, 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 you're responding to evolutionary pressures that have shaped our way of being for millions of years. If a tribe of creatures exists and they have interdependency in order to survive, then it is very clear, it is visibly, demonstrably clear that hurting someone is bad, not only for the person who's being hurt, but for you also, because then other people will not trust you.

We can see that some things are good and some things are bad. Who was, was con decre or con decide or case basis decide? That is true. But if we take like a individual case, like murder, Yes. you and I can both agree that that it's wrong, right? It causes suffering it to causes someone suffering. and it causes suffering to the person who kills. It causes suffering to everyone who's around them also. But Both the killer and the, killer, the killed. I want a story, but you have crime and punishment, Dostoevsky. No. But let's say किसी एक mayor को मारने से पूरी देश का भला नहीं। हो रहा है होल फॉर मोस्ट केसेस इन लाइफ वी कैन रीच सेंसिबल डिसीशन राइट बट उस, sure, to to right? उस सबके बेसिस मेरा नहीं ऑफ नहीं नहीं है मैं तुम्हें तो मार रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम सफर करो सिंपल इसमें ऑफ है ही नहीं, क्यों क्यों नहीं? क्योंकि आई थिंक अगर तुम सफर करोगे तो तुम्हारे लिए बुरा है मैं तुमको मारूंगा तो मेरे लिए बुरा है तुम्हारी फैमिली के लिए बुरा है क्योंकि उनको दुख होगा मेरे लिए बुरा है क्योंकि मुझे दुख होगा मतलब मेरे परिवार को दुख होगा क्योंकि मैं जेल जाऊंगा सिंपल मतलब लॉ के बिना आप मार सकते थे मतलब नहीं मैं लॉ के बिना भी नहीं मार सकता था क्योंकि दुख होता तुम्हारे परिवार का अगर हम एक लॉलेस सोसाइटी में रह रहे होते तो तुम्हारे परिवार का तो फिर भी दुख होता ना इफ आई कूड गेट अवे विथ किलिंग यू आई वुड स्टिल नॉट वॉन्ट टू बिकॉज समथिंग इन मी एंड आई हैव टू अज्यूम इट इज एवोल्यूशनरी बिकॉज एवरीथिंग इज इन मी एवोल्यूशनरी और एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट इज नेचर वॉज इज न बट फॉर द मोस्ट पार्ट वी कैन अग्री दैट देर इज समथिंग इन अस दैट मेक्स इट वेरी क्लियर टू अस दैट किलिंग पीपल इज गोइंग टू बी बैड फॉर एवरी वन

has आ, the answers they're simply offering answers in order to gain authority for themselves so most of the time we don't actually need to get super philosophical about things life can be led reasonably conveniently without going into all that <s Sutra> hmm hmm oh agar koi aur nahi hai to main ek aur question discuss hain hain teen teen log hain char ho gaye thank you thank you bye bye bye